दोस्त लोग, अब हम अभी चाउमीन बनाने जा रहे हैं। चाउमीन के लिए हम ये गोभी पत्ता काट चुके हैं। गोभी पत्ता है ये दोस्त लोग। अब ये गैस में ये तवे बसा ली गए है, देखेंगे बसल चुका नेपाल में कैसे बनाई जाती है चाउमीन। आप लोग इंडिया में जो खाते हैं अच्छा नहीं लगता है, वो इंडिया में बना अच्छा नहीं, नेपाल में प्योर बनाई जाती है। देखिए दोस्त लोग कैसे बनाई जाती है। प्याज कटिंग हो रहा है और देखिए ये गर्म हो रहा है, थोड़ा सा तेल रखा हुआ है इसमें। प्याज देखिए, हम ये वेज चाउमीन बनाने जा रहे हैं। देखिए आलू, ये आलू है, वेज चाउमीन में आलू डाल सकते हैं, और बफ चाउमीन, चिकन चाउमीन, पनीर चाउमीन, जो सब कुछ बना सकते हैं। अभी वेज चाउमीन, ये चले गए प्याज, ये प्याज डल गया है। आलू कटिंग हो रहा है दोस्तों। ये हम वेज चाउमीन बनाने जा रहे हैं, नेपाल के चाउमीन बहुत टेस्टी होता है। शेफ ऐसा है हमारा, इसके बाद थोड़ा सा हल्दी, दोस्त लोग अब चाउमीन बनाकर हम इसका चैलेंज भी करेंगे। ये सीक्रेट मसाला है इनका, करीब 15 साल से यही मसाला यूज कर रहे हैं भाई लोग। सीक्रेट मसाला है, किसी को ही नहीं कहते हैं, इनका सीक्रेट मसाला है। अब चाउमीन बनाकर हम चैलेंज करने वाले हैं। ये आ गया गोभी पत्ता, ये आ गया गोभी पत्ता, चलाएंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों, वीडियो में तो नहीं आएगा लेकिन उसको बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये भैया लोग, भैया को यहाँ होटल चलाते हैं, कितना टाइम हो गया भाई साहब बोलिए? 7 बरस हो गए। तो हम पहले भी चलाते थे। हाँ, हमने सुना था आपके यहाँ बहुत अच्छा मोमोज और चाउमीन मिली पाई जाती है। हाँ जी, यही खातिर हम ये खाने के लिए आए हैं। देखते हैं दोस्तों, नेपाल के वो काठमांडू पानटंकी एरिया। अब दोस्त लोग देखते हैं कितना अच्छा मिलता है चाउमीन, बहुत अच्छा होता है हमने सुना था, इसलिए आए हैं दोस्त लोग। अब ये काटी जा रही है लहसुन पत्ता है ना, लहसुन का हरी पत्ती, ग्रीन अनियन, देखिए इससे और ज़्यादा होगा। इस तरह से आप लोग चाउमीन बनाएंगे तो आप भी बहुत अच्छी तरह से चाउमीन बना सकते हैं अपने घर में। और ये आ गया रेडी हुआ चाउमीन, थोड़ा सा प्योर नेपाली स्टाइल है दोस्त लोग। ये आ गया टमाटर, इसे थोड़ा चलाएंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों, करीब 7-8 साल से होटल लाइन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनाते हैं ये। ऐसे आ गया चाउमीन,
आप इसको ऐसे चलाए जाएगी, देखे दोस्तों प्योर रेस्टोरेंट में कैसे बनाते वैसे ही बनाई जा रही है। ये आ गया टेस्टिंग पाउडर, टेस्टिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये आ गया नमक स्वाद अनुसार। अब इसको चलाएंगे, पूरी से अच्छी तरह से चलाएंगे हम इसको। ये आ गया सोया सॉस, इसमें डालेंगे थोड़ा, सोया सॉस आने लगा है, सोया सॉस इससे कलरफुल होगा, इससे कलरफुल चाउमीन बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी होगा। देखिए कलर चेंज होने लगा, देखिए पूरा कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी आ गया विनेगर, थोड़ा खट्टा होगा ये ना, देखिए दोस्तों नेपाल में चाउमीन ऐसी बनाई जाती है। अब जा रही है इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च दोस्तों के भेज चाउमीन है, बहुत अच्छा। देखिए कलर ऐसा इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन नेपाल में ऐसा बनाते हैं। 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है इनके पास, देखिए नहीं 10 वर्ष, हम अभी तो 7 वर्ष बोल रहे थे, अभी 10 वर्ष हो गए। इससे भी पहले कह रहा कराए ना ये वो 3 साल ये काम वो सीखने में चला गया। हाँ ठीक है ये दोस्तों बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब हमारा चाउमीन रेडी हो गया है। आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं और थोड़ा तीखा खाना चाहते हैं तो ये स्पाइसी सूखी मिर्च का ये क्या है चटनी ऐसा है। देखिए चलाना चाहिए 100% टेस्ट अच्छा है दोस्त, बहुत अच्छा। अब हमारा चाउमीन पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब प्लेट में सर्व कर रहे हैं देखिए, और हम इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे दोस्त, चैलेंज करेंगे टेस्ट कैसा है। चाउमीन टेस्ट करेंगे, रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा है दिखने में। अब हम टेस्ट करेंगे इसको कैसा लगता है दोस्त लोग, नेपाल में ऐसा चाउमीन बनाई जाती है। बहुत अच्छा तीखा है, स्पाइसी है। आप लोग भी इस तरह का चाउमीन बनाकर अपने घर में खा सकते हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। नाइस। देखने के में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा है।